हाय एवरीवन, नमस्ते। पाय लागू आप सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। वेलकम टू इंडिया सेंटेंट। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संतोष रंजन है और मैं 31 साल का हूं। मुझे नई चीज़ों के बारे में सीखना बहुत पसंद है। मुझे ट्रैवलिंग करना, क्रिकेट खेलना और एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो भी मेरी शैली है उससे अपने देश के गौरव के लिए काम करना चाहता हूँ। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो ये है कि मेरा और आपका चैनल लॉन्च हो रहा है, इंडियाज इंटेंट। इंडियाज इंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी, विल बी इन बोथ द लैंग्वेजेस। पर कुछ वीडियो स्पेसिफिक इंग्लिश में ही होंगी, जो कि विषय या सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। मैं आगे सबको बताता चलूँ कि इंडियाज इंटेंट के तीन मुख्य उद्देश्य या गोल क्या है। तो सबसे पहले ये है कि इंडियाज इंटेंट इंडिया के ख्याति या गुडविल के लिए काम करेगा और देश के प्रगति प्रोग्रेस में अपना हिस्सा देगा। दूसरा, अगले एक साल में कम से कम 5,000 ऐसे लोगों की मदद करें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वर्ल्ड अफेयर्स समझ पाए और मैं उसे बता पाऊँ कि एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते उसमें हमारी भूमिका क्या होने वाली है। और जैसा इंग्लिश में कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिश करना चाहूँगा जो देश के प्रॉब्लम्स को समझे एंड अकॉर्डिंगली अपने रिसर्च, अपने नॉलेज से, अपने लर्निंग से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। आप सभी शायद ये सोचें या आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि वर्ल्ड अफेयर्स या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हमें क्या लेना देना है। बहुत गहरा और बहुत बड़ा लेना देना है। 2023 आने ही वाला है, इस समय तो बहुत ही ज़्यादा लेना देना है क्योंकि इसका एक्सेसिव प्रभाव हर एक देश में हो रहा है। अब ज़रा सोचिए, इस समय दुनिया में रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, यूरोपियन यूनियन बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, अमेरिका इज़ नॉट द अमेरिका व्हाट इट यूज्ड टू बी, हमारे बगल में पाकिस्तान है जहाँ के लोग कुएं में गिरे जा रहे हैं पर उनको ज़मीन ही नहीं मिल रही है, चाइना के बाद कोरोना का प्रॉब्लम, फिर कोरोना के बाद चाइना का प्रॉब्लम, और अब चाइना और पाक दोनों ने अब बारी बारी से इंडिया पे हमला करना शुरू कर दिया। आप सब दर्द ना लो, इसीलिए मैं आने वाला हूँ आप सभी के सामने इन द फ्यूचर इस चैनल के माध्यम से, और हम समझेंगे और सीखेंगे कि हमें किस तौर से एज एन इंडियन कैसे तैयार रहना चाहिए और भविष्य में हमारी भागीदारी क्या होगी। हालांकि मुझे लगता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रोएक्टिव और सराहनीय काम कर रही है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस पे भारत का बोलबाला भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बोलबाला यहाँ तक बढ़ा है कि हम किसी के म्यूचुअल फ्रेंड हो चुके हैं, किसी के नेचुरल फ्रेंड हैं, कोई तो हमें मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर कहता है। और ये हर देश, कोई देश नहीं, ये सुपर पावर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, हम उनके म्यूचुअल फ्रेंड हैं, नेचुरल फ्रेंड हैं, मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर कहलाया जाता है, परंतु हम फिर भी यूएनएससी के परमानेंट मेंबर नहीं हैं। मेरे भाइयों, इस बदलती दुनिया में एक एक भारतीय को हमारे स्वराज्य, हमारे कैपेबिलिटीज और हमारे देश के ज्ञान को समझना होगा। भाइयों, हम भारतीय हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम 150 करोड़ होने वाले हैं अगले 6-7 सालों में। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड स्टार्ट सब्सक्राइबिंग द चैनल।